भारत का परिचय हमें जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध का एक देश है। अगर हम पूरे ग्लोब पर इसको देखना चाहें भारत को, तो पूरा अगर ये ग्लोब है, इस ग्लोब में जो भारत है वो कहां तक है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। कहां का देश है? उत्तरी गोलार्ध का। अगर देशांतर रूप से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध का देश है। मतलब भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक, भारत एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आते हैं भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो अगर भारत की स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग हमारा बनेगा भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति क्या बनेगी? भारत की अवस्थिति। तो जो भारत की अवस्थिति है वो कितनी है? अगर अक्षांशीय विस्तार, भारत की अवस्थिति में हेडिंग डालेंगे अक्षांशीय विस्तार। क्या हेडिंग डालेंगे? अक्षांशीय विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो देखते हैं अक्षांशीय विस्तार में क्या क्या है। 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहां पे लिख लीजिएगा यन। यहाँ पे यन माने नॉर्थ। 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का विस्तार। इसका ऐसे लिखा जाएगा 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, आगे देखा जाए। अब ये यन लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ, यन का मतलब नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध का देश, ये सिद्ध करता है। फिर देशांतर विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट अच्छा 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी ये 8 डिग्री 4 मिनट, हम साथ लिख देंगे क्या? ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 4 मिनट ही है। हो सकता है कल को उतरी ना हो इसीलिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, फिर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत का विस्तार है। ठीक, अगर इसको भारत के मैप के आधार पर इसको ड्रा किया जाए तो ये कैसे ड्रा होगा? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये हो गया, ठीक है, ये भारत है।
माना भारत, बहुत सही नहीं बन पाया, माना भारत है, ठीक है। अब अगर इसका चार प्रकार के हमने देखा, अगर हमने एक अक्षांशीय विस्तार देखा, तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग देखना चाहें तो यहां पे देख रहे, यहां से एक रेखा गुजरेगी, देख रहे यहां से एक रेखा, तो जो ये रेखा गुजरेगी अक्षांशीय है, यहां से जो गुजरेगी वो अक्षांशीय है। और ये भारत उत्तरी गोलार्ध का देश, अगर हम इसको देखना चाहें ठीक, तो भारत कहां का देश है, देखिए उत्तरी गोलार्ध का देश है, माने भारत यहां यहां पे है, तो ये उत्तरी गोलार्ध का है और पूर्वी गोलार्ध का है, इसलिए नॉर्थ हमने लिखा, माने यहां पे है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री। फिर अगर इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें, तो वो आपका है देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो ये हमने लिखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का कौन सा विस्तार है, देशांतरी विस्तार, कौन सा विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। अब यहां से कोई समस्या हो तो समझ में बताएं, इधर से इधर हमने पढ़ा, इधर से इधर पढ़ा, अब नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार, क्या लिखे हम लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कोष्टक में 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है या स्थित है, अब हम ये देखते हैं ये भारत है, ये अंडमान निकोबार द्वीप मान लीजिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से, ये तो 8 पे, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचता है तो ये दक्षिणतम मिलता है, ये मुख्य भूमि है, लेकिन जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है वो और नीचे है, वो दिख रहे हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे रहने के नाते 6 डिग्री 4 मिनट पर है, कहाँ पे है 6 7 8 तब यहाँ पहुंचता है, मतलब इसका लेवल यहाँ है, ठीक। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके क्या है 6 डिग्री, इसका पुराना नाम पिगमीनियन पॉइंट है, पिगमीनियन, हाँ पिग माने, अच्छा चलिए बच्चों को पढ़िएगा, किस बच्चों को, प्राइमरी वाले बच्चों, ठीक। पिगमीनियन पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पिगमीनियन पॉइंट, अच्छा 2004 का जो सुनामी आया था उस सुनामी में वो डूब गया है, जो एक खंबा जैसे होता है ना, यहाँ से जौनपुर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर जो इस तरह होता है, उस तरह ये इंदिरा पॉइंट का भी पत्थर लगा था, लेकिन जब सुनामी आई तो पत्थर बेचारा क्या हुआ, गिर गया, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का
उत्तरी बिंदु इंद्रा कॉल कॉल माने बुलाना, फोन करना, इंद्रा कॉल जम्मू एंड कश्मीर राज्य के उत्तर में स्थित है, जे एंड के। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित है। कोष्टक में 37°6' माने एकदम उत्तर का जो बिंदु है यहाँ पे वह कितना है, 37°। ठीक हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिएगा, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में अवस्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, किसी को पता है? अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं, कौन माता, गाय माता, गौर मोता, एक नाम, दूसरा भी नाम इसका है सरक्रिक। यह गुजरात का सरक्रिक और गौर मोता, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात राज्य के पश्चिम में स्थित है। सरक्रिक, सर माने कपार, क्रिक हाँ फाड़ देने बता रहे हैं। ठीक है, अब भारत का पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, भारत का पूर्वी बिंदु बताइए पीछे आप लोग क्या नाम है। हाँ तो ट्रांसफर किया जाए ना, हाँ ना, आप लोग रुक जाते हैं, मैं लगता है पूछ के बगल से बताएंगे, नहीं पूछेंगे। चलिए और गिराज कोई बताएगा, कीवीथू और हाँ कीवीथू फिर वालांगु, वालांगु अलग अलग नाम, दो दो नाम है, कीवीथू और वालांगु। ठीक, कोई समस्या यहां तक? हाँ यहां तक समस्या समाधान हुई? आप लिखिएगा, पन्ना खोल बैठे हैं, लिख रहे हैं? अच्छा नहीं कहा, ये तो सही है, आप लोग जुगाड़ू है ना, मैं क्या पता। हाँ रखे ना, देखिए
ये पूरा से पश्चिम ज्यादा है कि उत्तर दक्षिण? किधर ज्यादा है भारत? अच्छा ये ज्यादा दिख रहा है, ये किधर से किधर है आप बताइए तो? आप बताइए उत्तर दक्षिण किधर हुआ तब? सही है, ठीक है। जो ये क्षेत्र है यहां से लेके यहां तक ब्लैक वाला, माने उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर 3314 किलोमीटर, कितना है 3314, ये ब्लैक डार्क जो है 3314, माने भारत उत्तर से दक्षिण जो है वो है 3314 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर, 3314 3314 है, 3214 भाई। और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तथा भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्र पर है या फैला है, तथा विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। शुक्र मनाइए कि यूपी और बिहारी 29 राज्य में नहीं है। विश्व के 7 बड़े देशों के नाम क्रमशः, विश्व के 7 बड़े देशों के नाम क्रमशः क्रमशः सबसे बड़ा देश सबको पता होगा, रूस, पहला रूस, दूसरा बताइए, बताइए दूसरा ये कौन सा देश है, पीछे बताइए आप लोग, दूसरा जनसंख्या हम नहीं पूछ रहे, क्षेत्रफल में, कनाडा, 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 तीसरा चीन, चौथा बताइए दुर्गा प्रसाद, पड़ोसी दुर्गा प्रसाद के, पड़ोसी टू, पड़ोसी थ्री, चौथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यू एस
ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, ठीक। और पांचवा ब्राजील, जब बोल दिए तो लिख लीजिए, जैसे कुछ और बोलते हैं ये लोग ब्राजील कहते हैं, मान लेते हैं ब्राजील है, ब्राजील। छठवां तो बताइए इधर, लेडीज फर्स्ट। छठवां, छठा बताइए, आठवां पूछेंगे ना, सातवां हमको भी पता है, सातवां कक्षा का जो पढ़ता है उसको भी पता है। आठवां बताइए तो छठवां बताइए, अफ्रीका एक महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फिर अपना देश इंडिया, भारत, भारत। आठवां, आठवें तो पूछना मजा आता, तो आठवें आएगा, और परीक्षा में क्या करेंगे, आठवां पूछ देंगे। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नौवां, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, कजाकिस्तान रसिया से टूट कर अलग हुआ है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक। पता नहीं, बस नौ बजे ठीक, आगे लिखिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या किस देश जनसंख्या के बराबर है? अरे इतना जल्दी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? जापान, और पान यार अपने जौनपुरवा के बराबर होगा। कहाँ है कहाँ समझते यूपी वालों को, आप ही यूपी वाले हैं, हल्के में लेते हैं आप। चलिए आगे लिखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है। यूएसए, यूपी के इतना हल्के में लेते हैं क्या आप लोग दीपक? चलिए हाँ, यही कम वही करते हैं, देसी तो कौनों काम है। आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई आविष्कार कुछ नहीं किए, ठीक। सच्चा तो बेरोजगारी यहीं पे है। अच्छा मास्टरों यहाँ जाता है। चलिए आगे लिखिएगा, भारत के स्थल से जुड़े सात पड़ोसी देश हैं, सात पड़ोसी देश हैं, जिनके स्थल सीमा की कुल लंबाई, जिनके स्थल सीमा की कुल लंबाई, कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर लगभग है, जिनके स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, कितनी है? हाँ एक फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ट्रिक। अच्छा ट्रिक बताए थे हम, गड़बड़ा, हम समझ नहीं पाए फार्मूला ट्रिक में क्या अंतर होता है।
देखिए इन्होंने कहा एक फार्मूला बताया था, हमें भी याद है हमको एक फार्मूला बताए थे। चलिए फार्मूला इसका था क्या था, बचपन में बीए किया, फनवा वाले एकदम परेशान रह रहे। आवाजों नहीं करेगा इसने, घनघनाएगा नहीं है। अच्छा बस हो गया बस अड्डा, नहीं बांग्लादेश, कुछ बस अड्डा समझ लेंगे, बांग्लादेश ठीक, फिर चाय पत्ती, सॉरी चीन फिर पान, पाकिस्तान, अच्छा नल, नेपाल, म्यांमार की राजधानी जो बताएगा 50 रुपए की नकद पुरस्कार बिना नकल मारे, और नहीं बता पाएगा कोशिश करेगा 100 रुपए जुर्माना। टाइम खत्म हो गया, आ तो गूगल कर लेंगे आप। हाँ बर्मा, 100 रुपया 200 रुपया 200 रुपये जुर्माना हो गया, गलत बताए दोनों लोग, तो बताए तो 100 रुपये जुर्माना हो गया ना। चलिए भूटान, अफगानिस्तान, कहाँ कोयम्बटूर बटोर ले थे बताइए, आप लोग 50 रुपये नहीं जीत पाए बताइए। म्यांमार की गलत होगा 100 रुपये दीजिएगा तब कंफर्म, और नहीं होगा 50 हम देंगे, सही होगा 50 हम देंगे। फिर से नाम बदल चुका है, चलिए अरे खोजिएगा, इतनी खतरनाक नाम है जुबान से निकलवा ही नहीं करे, वही कह रहे हैं। देखिए ये हो गया बचपन में बीए किया, सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, बधाई पढ़ के, वर्मा गलत है ना, तब 100 रुपये रखे रहिएगा। अब इसमें नया पुराने का जो नाम है वो बताइए, अब वो मर गया बेचारा उसका नाम बता रहे हैं। अब पूछे भैया भारत का राष्ट्रपति कौन है, और ठीक तब कहेंगे भाई राजेंद्र प्रसाद, इतना खतरनाक नाम है कि मुंह से निकल भी नहीं करता। हो गया, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है, किसी किताब में 106 मिल जाएगा, कहीं 80 मिल जाएगा। अफगानिस्तान का राजधानी हाँ। कौन कौन सा चना है, चना का नाम जानते हो तो 3 ठो, हाँ मोटा चना आता है क्या कहते हैं उसे, हाँ तो उसकी राजधानी क्या है, हाँ
चना काट दीजिए, क्या बचा? काबुल। अच्छा के एम है भैया, हो गया। इन भारत के सात देशों की सीमाएं, भारत के सात बड़े पड़ोसी देशों की सीमाएं, इन सात पड़ोसी देशों की सीमाएं, सीमाएं भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? अगर आप लोग एक साथ ऐसे रोज बैठा करेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत होगी, सभी को बता दे रहे हैं। मैं देता यहां मत निभाइएगा, परीक्षा भवन में निभाइएगा मास्टर होने के बाद, आपके हित के लिए बता रहे हैं। इसीलिए 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन पहले कोई मित्र नहीं बनाए हैं, बैठेंगे डिस्टर्ब करेगा, अपने काम से मतलब रखिएगा। आदि नौकरी पा जाएगी, खूब ढेर सारे मित्र मिलेंगे, खाली पैसा रहना चाहिए पास में बस, है ना? सही बात है ना? तो बताइए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं इस, हाँ, सात बड़े देशों को स्पर्श करते हैं, बताइए। 17 राज्य, इन 17 राज्य की सीमाएं भारत के सात पड़ोसी देश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। 17 राज्यों को स्पर्श करती हैं। बाकी चीजें आपके नोट्स में मिलेंगी। हो गया, कोनो समस्या, हल्का फुल्का, बड़ा छोटा। अब आप ये बताइएगा, यहां से 2-3 प्रश्न हल्के पूछ लेंगे, बाकी आप लोग जानते हैं। भारत के सभी राज्यों से देख लीजिएगा या किन किन देशों की सीमाएं किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं। नहीं मिलेगा तो नोट्स में हमारे होगा, आपने अगर नोट्स लिया होगा, जो 32 पेज के लिए होंगे नीचे लिखवा देंगे, उनको आगे की मिल जाएंगे, और जिन्होंने उतने लेकर रखा हो कोई बात नहीं, 92 पेज का नोट्स, उसमें इसका जिक्र किया गया है किन राज्यों की सीमाएं किन राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो पप्पू से हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, यही नाम सब हमें लगता सही है बुलाने लायक। भारत की कौन सा ऐसा देश है जिस, अच्छा, भारत कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत केवल एक राज्य को स्पर्श करती है? भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत केवल एक राज्य को स्पर्श करता है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, व्रत है। अच्छा आप लोग मौन व्रत रहते हैं, समझ नहीं पाते, कल इतना आप लोगों को समझाया गया था बोलने के लिए, लेकिन आप लोग तो मौन व्रत रहते हैं, सांप सूंघ जाता है एकदम। अफगानिस्तान, बस जम्मू कश्मीर से ही लगता है, यही छोटा सा रोई पीओके में पागा गोपाइट कश्मीर में है। हमें लग रहा है ये पढ़ाए तभी मैप दिए थे, आप लोग भाका भाका के दोबारा जो है पढ़ ले रहे हैं। हाँ पढ़ाने तो मैप कहाँ बांटे थे हम, चलिए ठीक है बाका लीजिए। अरे आप लोग चलिए, हाँ पढ़ाए थे ना, था थोड़ा तो नहीं बताया आप लोग,
हमें लग रहा है कि सेंटेंस बोला बोला कहीं से। आप लोग लगते ना सुना सुना, हमारे लिए बोला बोला सा लगता है। आप कहते सेंटेंस सुना सुना सा है। हाँ आज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अब ऐसे पढ़ाएंगे रेक रेक के। आप लोग ऐसे खुश हैं, सही है ना? हाँ चलिए, तो मेरी मजबूरी है, आप लोग कंप्लेन दर्ज करना शुरू करते हैं। ये तो जैसे ऑनलाइन FIR आ गया, आप लोग दर्ज करा देते हैं। ये आप बहुत तेज पढ़ाते, लिख के टाइप करके सेंड कर दिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अच्छा जब हम कहते हैं खत्म, चलो पीछे देखते कोई टीचर आ गया है क्या? ये पावलाव का कौन सा नियम है? हाँ अच्छा, तो ऐसे कहते कहते आप लोग छुड़वा देंगे। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक।